हमारा नाम भी उन लोगों में शामिल हो जाए जो आज मिदहते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। अपने तई हर शख्स कोशा है, कोशिश में लगा है। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हमारा नाम भी लिख लिया जाए कि इन्होंने भी कोशिश की थी, चंद अल्फाज टूटे फूटे बयान किए थे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम क्या हैं, इंसान क्या है, इंसान का वजूद क्या है, और फिर मुझे एक ही जवाब मिलता है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो मखलूक है जिसे अल्लाह ने नहायत प्यार और मोहब्बत से और प्यार और मोहब्बत फैलाने के लिए ही बनाया, और बनाया किस लिए, किस वजूद के लिए ये दुनिया तख्लीक हुई, वो वजूद, वो हबीब, वो महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो किसी ने बड़े प्यार से बड़ा अपनी सादगी में लफ्ज़ कहे कि रब शक कमा बैठा पीछे एक जिंदड़ी दे गल दुनिया ला बैठा। कभी एक कभी बड़ी सादगी में एक ने कहा शाफे मैशर के एतबार से कि अल्लाह जे पकड़े छुड़ावे मोहम्मद, मोहम्मद जे पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। तो हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो के हुजूर जितना भी दुरूद पाक पेश करें, जितना भी आपकी मिदद को बयान करें, वो नाकाफ़ी और कम है, कमज़ोर हैं, हम नातवां हैं। तो अब इस सिलसिला में मैं चाहूँगा कि हमारे साथ मौजूद हैं हादिन शहीद, कि हादिन शहीद से हम सफ़र ताइफ का वाक़या जो है वो सुनते चलें। सफ़र ताइफ के वाक़े को सुनने के लिए हम चलते हैं हादिन शहीद साहब की तरफ। हादिन शहीद सफ़र ताइफ आपके सामने पेश करेंगे जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के तमाम समंदर रोशनाई बन जाएं, दुनिया के तमाम दरख्त कलम बन जाएं, और दुनिया की तमाम मखलूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखना शुरू कर दे, तो खुदा की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का एक बाब भी मुकम्मल ना कर पाएंगे। बेशक कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, मुसख़र इस तरह दुनिया शह इब्रार ने कर ली। जब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादी में तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ ले गए, तो ईंटों पत्थरों के सैलाब इस्तकबाल को आए। रास्ते के दोनों तरफ लोग खड़े थे, रहमत दो जहां गुजर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम उठाते तो ईंटों पत्थरों गालियों और तालियों की बरसात शुरू हो जाती। आखिरकार जालिमों ने इतने पत्थर बरसाए कि एक जगह पर साहिब वकाम लहू लहान होकर बेहोश हो गए। हज़रत जैद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पृष्ठ पर उठाया और बस्ती से बाहर लाए और अहले ताइफ के हक में बददुआ की दरख्वास्त की। जमीन को हुक्म दीजिए इन लाइनों को हड़प कर ले, जमीन को हुक्म दीजिए इन लाइनों को हड़प कर ले, इसी का बोझ है ये लोग इन्हें पेट में भर ले। फलक को हुक्म दीजिए फट पड़े इनकी नाकारों पर, फलक को हुक्म दीजिए फट पड़े इनकी नाकारों पर, बिजाए आप बरसे आग ताई की बहारों पर। जनाब रहमतुल आलमीन ने सुनकर फरमाया, मैं इस कहर में दहर गज़ब बनकर नहीं आया। अगर ये लोग आज इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक के दामन वहदत में नहीं आते, मगर नस्लें ज़रूर इनकी इसे पहचान जाएंगी, दर तौहीद पर एक रोज़ आकर सर झुकाएंगी।
मैं इनके हक में क्यों कह रही इलाही की दुआ मांगू, बशर हैं बेखबर हैं, क्यों तुबाही की दुआ मांगू। दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इलाही रहम कर इन पर इन्हें नूर हदायत दे, इलाही फजल कर को सारे तारीफ को सारे की मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली ज़मीनों पर, दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौज़े सामीन और हमारे मौज़े मेहमानाने ग्रामी, जो शख्स शहर पैगंबर में एतकाफ़ करे, जो शख्स शहर पैगंबर में एतकाफ़ करे, खुदा भी उसकी फजीलत का एतराफ़ करे। जो शख्स शहर पैगंबर में एतकाफ़ करे, खुदा भी उसकी फजीलत का एतराफ़ करे, और नबी के जलवों को पाने का हर तमन्नाई, नबी के जलवों को पाने का हर तमन्नाई, नबी के जलवों को पाने का हर तमन्नाई, दिलो निगाह को जमजम से धो के पाक करे, दिलो निगाह को जमजम से धो के पाक करे, और जमाल सरवरे आलम की आरजू है जिसे, जमाल सरवरे आलम की आरजू है जिसे, किताब दिल पे दुरूद नबी गिलाफ करे, किताब दिल पे दुरूद नबी गिलाफ करे, किताब दिल पे दुरूद नबी गिलाफ करे, और करम के फूल सितमगर को दे रहे हैं रसूल, करम के फूल सितमगर को दे रहे हैं हुजूर, वो कैसे रहमत दो आलम से इनहराफ करे, वो कैसे रहमत दो आलम से इनहराफ करे, मेरे नबी ने शौरे हयात बख्शा है, मेरे नबी ने, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने शौरे हयात बख्शा है, जमी भी और आसमां भी ये एतराफ करे, जमी भी और आसमां भी ये एतराफ करे, वही हबीब खुदा हैं वही रसूल करीम, वही हबीब खुदा हैं वही रसूल करीम, जो अपने दुश्मन जा की खता मुआफ करें, जो अपने दुश्मन जा की खता मुआफ करें, जो शख्स शहर पैगंबर में एतकाफ करे, खुदा भी उसकी फजीलत का एतराफ करे। तो मौज़े सामईन, तिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शान बाबरकात, आपके फजाइल, आपकी रहमतुल्लिल आलमीन होने की और आपके मुकम्मल व अकमल होने पे हम क्या गुफ्तगू कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। जो आए हकीकत दरियाए तारीख में लाख गोते लगाए, मगर ये दुरे शावार मयसर नहीं आ सकता, और अकल सलीम गर्दन झुकाकर सिर्फ इतना ही कह सकती है कि बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तो मौज़े सामईन, चूँकि हमारे दरमियान मोहतरम जनाब ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद शफीक साहब मौजूद हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि उनसे हम मुस्तफीद हो सकें, तो चलते हैं अपने मोहतरम मौजूद मेहमान की जानिब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात हो रही थी कि आका मुस्तफ़ा ने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजात भाई, जी जी, और दामाद रसूल, बेशक बेशक, शहराए बतूल, शहर रहे बतूल, बेशक, बाबा हसनैन करीमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन मुनव्वरैन,
बेशक रज़ियल्लाहु ताला अजमईन। आपकी जब विलादत हुई तो आपकी वालदा फातिमा बिनत असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम की बारगाह में हाज़िर होती हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपका भाई तो मुझे दिया है मगर ये आँख नहीं खोलता, इसने आँखें नहीं खोली। तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात फरमाया, ऐ अम्मा मुझे ज़रा दें, अली को मुझे दें। जब आपने यदुल्ला फौका ऐदीहिम यदुल्ला वाले हाथों में उठाया तो मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाह सल्लम की ज़ात ने यह फरमाया, और क्या बात है, आँखें नहीं खोलता भाई जवान जी, आँखें नहीं खोल रहे। मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाह सल्लम की ज़ात ने जब रहमत की नज़र डाली, अली करम अल्लाह जल करीम ने दोनों आँखें खोली। सुभानअल्लाह, इसमें एक बहुत राज पोशीदा था, बहुत राज पोशीदा था, क्योंकि अली करम अल्लाह जल करीम ने कहा, यार बे करीम यार बे करीम यार बे करीम अज़्ज़वजल, दुनिया में अगर तू मुझे भेजे तो मेरी आंख सबसे पहले तेरे महबूब का चेहरा देखे। सुभानअल्लाह, माँ का नहीं किसी और का नहीं, सबसे पहले अगर मेरी नज़र पड़े तो तेरे महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाहि अलैहि के बद्दुआ मुखड़े पे पड़े। सुभानअल्लाह, तो सबसे पहले हज़रत अली करम अल्लाह वजल करीम ने मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाहि अलैहि के बद्दुआ मुखड़े पे निगाह डाली। बेशक, और हज़रत अली करम अल्लाह वजल करीम और मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाहि अलैहि की ज़ात तशरीफ़ लाते हैं बैतुल्लाह में, काबा के अंदर। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाहि अलैहि की ज़ात ने बुत गिराए, बुत गिराए, बुतों से पाक किया। तो हज़रत अली करम अल्लाह वजल करीम को फरमाया कि ऐ अली मेरे पुश्त पे मेरे शानों पे खड़े हो और ऊपर वाले बुत गिरा दो। हज़रत अली करम अल्लाह वजल करीम अर्ज़ करते, या मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाहि अलैहि, ये बेअदबी है, ये बेअदबी है, मैं नीचे खड़ा होता हूँ, आप मेरे कंधों पे सवार हों और आप गिरा दें। मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाहि अलैहि की ज़ात फरमाया, अली नबूवत का वज़न, नबूवत का वज़न नहीं आप उठा सकते, इसलिए वलायत का वज़न मेरे कंधों पे आ सकता है मगर नबूवत का वज़न जो है ना सुभान वो नहीं उठा सकते, लिहाजा अली आप आए। ये बात नहीं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाहि अलैहि वसल्लम की ज़ात हज़रत अली करम अल्लाह जी करीम के कंधों पे यानी कि खड़े नहीं हो सकते थे, इसके अंदर एक राज था जी, जी बहुत बड़ा एक राज था। वो राज ये था कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाहि अलैहि वसल्लम की शानों पे जब हज़रत अली करम अल्लाह जी करीम खड़े हुए तो बुत गिराना तो भूल गए, तो आसमान के किंगर पर हाथ पड़ गया, आसमान के अर्श पर हाथ पड़ गया। तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाहि अलैहि वसल्लम ज़ात फरमाते, अली क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? या लजपाल मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाहि अलैहि वसल्लम, अर्श पे मेरा हाथ बढ़ा है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाहि अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली जो काम का वो करो, अर्श को छोड़ो। सही, अगर हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाहि अलैहि वसल्लम के शानों पर खड़े हों तो अर्श पर हाथ पहुँच सकता है। बेशक, तो मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाहि अलैहि वसल्लम का कमाल क्या है? सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, उनका क्या कमाल है? जो लोग कहते हैं कि नबी मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाहि अलैहि वसल्लम को इल्म गैब का पता ही नहीं, गैब की कोई ख़बर नहीं, तो नबी होते ही गैब की खबर देने वाला, बेशक नबी का मान ही है गैब की खबर देने वाला। हाँ, जैसे कुरान हकीम की आयातें हैं, पहली आयात में है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब लौरे वफ़ी हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैब व यकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िकून। तो गैब का जो है उस पर तो ईमान लाना हमारा पहला फ़रीज़ा है। तो मैं ही चाहूँगा कि आप गुफ्तगू फरमा रहे थे तो एक रोज़ आपकी मेरी गुफ्तगू हुई जिसमें आपने एक फ़जीलत बयान की थी, और वो फजीलत ऐसे से थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद, शफकत के बाद, नज़र के बाद, तरबियत के बाद जो तब्दीली आई शख्सियात में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उधर बयान कीजिए। मेरे आका मुस्तफा ने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ने नबुवत फरमाया, सुभानल्लाह, अल्लाह ने नबुवत फरमाया तो अबू जहल, अबू लहाब ये सब इन्होंने आकर किसको कहा? अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला, जिनको मेरे अल्लाह ने सदीक कहा, तो जिनको मेरे अल्लाह ने अतीक कहा, सुभान, तो जिनको मेरे मुस्तफा जाने रहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने अबू बकर कहा, सुभान, अबू बकर कहा। अबू जहल कहता कि उधर तेरे यार ने हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला ने वाहिद असहाबी रसूल हैं जिन्होंने बचपन में भी कोई बुत परस्ती नहीं की थी, सुभानल्लाह, सुभानल्लाह, बुत परस्ती नहीं की, सुभानल्लाह, बुतों की तरफ नहीं गए, यानी के जिससे अल्लाह अज़्ज़वजल की जात ने मना फरमाया ओ उस तरफ नहीं गए बचपन से, तो फिर उनकी यारी तो मुस्तफा जान रहम समजाद की साल लगी थी। जी बेश, बज़ाहिरन हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक जो है ना, बज़ाहिरन आका मुस्तफा जान रहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटे हैं, राइट, सही, 2 साल छोटे छोटे हैं जो बज़ाहिरन उम्र मुबारक। जी जी, तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हज़रत जबरील अमीन आते हैं, तो जबरील अमीन और यह बात जब उम्र की होती है और इज़राइल सलाम तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात फरमाते हैं अभी तो 63 बरस हुए, अभी 27 साल है। जी बेशक, कितने? 27। 27 साल अभी तो हैं। जी जी, तो अर्ज़ की या मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 90 साल तो पूरे हो गए। जी बिल्कुल, वही 90 साल पूरे हो गए, मेराज 27 साल, मेराज वाले, मेराज वाले 27 साल, मेराज वाले और 63 बरस ये दुनिया वाले और 90 पूरे हो गए। जी पेश, और फिर मेरे मुस्तफा जाने रहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि को फरमाते हैं जबरील बता तेरी उम्र कितनी है, तेरी उम्र कितनी है, ये बात तो 63 बरस की चली ना। जी पेश, बात 63 बरस की चली, तो मेरे मुस्तफा जाने रहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जबरील तेरी बता तेरी उम्र कितनी है, कहते जी मुझे अंदाज़ा नहीं मगर इतना है एक सितारा वो 70,000 साल के बाद तुलू होता और 70,000 मरतबा मैंने देखा है। जी बेशक, अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि मेरी उम्र कितनी है, तो मेरे मुस्तफा जाने रहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो सितारा देखो तो पहचान लोगे। सुभानअल्लाह, अजी जिसने 70,000 मरतबा देखा है तो वो कैसे ना पहचाने, तो मेरे मुस्तफा जाने रहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाद ने इमामा शरीफ जब ऐसे हटाया ना तो वही नूर, वही नूर चमका, वही नूर चमका, तो फिर हाथ बांध कर रज़ करते जी आपकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं। बेशक बेशक बेशक, वजह तख्लीक कायनात, वजह तख्लीक कायनात, और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको अबू जहल ने कहा कि भाई तेरे यार ने यह ऐलान कर दिया कि मैं नबी हूँ, मैं आखिरी रसूल हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई रसूल नहीं, तो हज़रत बकर सदीक रदी अल्लाह ताला ने अबू जहल को फरमाते कि वाकई ही उन्होंने ये बात की, आज उन्होंने और पहाड़ पे खड़े होकर उन्होंने ये ऐलान किया, अच्छा ऐलान किया, तो मैं इस चीज़ की तस्दीक करता हूँ जो वो कह रहे हैं हक और सच कह रहे हैं, वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, उनके बाद कोई रसूल नहीं होगा, उनके बाद कोई नबी नहीं होगा, खातमुल अंबिया, खातमुल मुरसलीन हैं, बेशक इनके बाद खातमुल नबुव्वत का सिलसिला बंद और ख़त्म है, इनके बाद कोई नबी और कोई रसूल नहीं होगा, ये आखिरी नबी, मैं इस चीज़ की तस्दीक करता हूँ, बेशक मेरा पैगंबर अज़ीमतर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। जी, और मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि नबुव्वत की तस्दीक हज़रत बकर सदीक रदी अल्लाह तआला फरमा रहे हैं।
बेशक। उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे मुस्तफा ने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तशरीफ़ फरमाई, या रब करीम या उमर बिन हशाम दे दे या फिर उमर बिन खताब दे दे। बेशक बेशक। फिर फरमाया उमर बिन खताब ही दे दे। बेशक बेशक। इस तेरे इस्लाम की ताकत बढ़ जाएगी। बेशक। ताकत बढ़ जाएगी। बेशक। एक ऐसा जने के जोशीला हमें सिपाही मिल जाएगा। तो आए किधर, इरादा क्या था? कल्ब खलील मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कल्ब वो दुआए कल्ब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। बेशक बेशक। ठीक है, वो खलील ने मांगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा उमर, मांगा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। क्या बात, क्या बात जी। और इरादा क्या लेके आए थे? इरादा गलत था? बेशक। गलत इरादे से आ रहे थे? जनाब हजरत हमजा भी जब ईमान ले आए तजलजल पड़ गया बातिल में, अहले मक्का घबराए। कोई बोला गजब है अपनी ताकत घटती जाती है कि दुनिया दीने आबाई से पीछे हटती जाती है। बदी के गुलगुले उस महफिल हकपोश में उठे, उमर ने खींच ली तलवार पूरे जोश में उठे, चले उस जिंदगी बख्शे जहाँ के कत्ल करने को, शहनशाह मकानों ला मकान के कत्ल करने को। नईम एक मर्द मुस्लिम से हुई मुठभेड़ रस्ते में, वो बोले आज क्या है, क्यों नजर आते हो गुस्से में? कहा मैं कत्ल करने जा रहा हूँ उस पैंबर को कि जिसने खरखशे में डाल रखा है अरब भर को। वो बोले अपने घर का हाल भी मालूम है तुमको कि बहनोई तुम्हारे मुसलमान हो चुके, मालूम है तुमको तुम्हारे घर में बसता है खुदा का नाम इज्जत से कि बहनोई तुम्हारे ला चुके इस्लाम मुद्दत से। ये सुनकर और भी गैज़ो गज़ब तूफान पर आए, उमर तलवार खींचे अपने बहनोई के घर आए। गज़ब टूटा उमर जिस वक्त पर दहलीज चढ़ते थे, वो दोनों हजरत खब्बाब से कुरान पढ़ते थे। अल्लाह। उमर दाखिल हुए घर में नहायत सख्त गुस्से में, सुनी आठ तो फौरन छुप गए खब्बाब पर्दे में। उमर बोले ये क्या है? बहन बोली तुमको क्या मतलब? कहा दोनों मुसलमान हो चुके हो, जानता हूँ सब। बहन बहनोई को आखिर उमर ने इस कदर मारा कि जख्मों से निकलकर खून की बहने लगी धारा। बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, हमारी बोटियां कर कर के तू कुत्तों से नुचवा ले, मगर इस राय अक से हम कभी भी फिर नहीं सकते और बुलंदी मारफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। जुबान से नामे हक, आंखों से आंसू, मुंह से खून जारी। जुबान से नामे हक, आंखों से आंसू, मुंह से खून जारी। उमर के दिल पे इस नक्शे से इबरत हो गई तारी। कहा अच्छा दिखाओ मुझको वो आयात कुरानी जिन्हें समझा हुआ है तुमने कलाम रब्बानी। बहन बोली बगैर गुस्ल उसको छू नहीं सकते। ये सुनकर और हैरत हो गई, मुंह रह गए तकते। उमर ने गुस्ल करके ले लिया कुरान हाथों में, भली साथ में आई दौलत ईमान हाथों। तो मैंने वो किस्सा आपको मंजूम सुनाया कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस गरज से महफिल से उठे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में पहुँचते पहुँचते दुनिया ही तब्दील हो गई, दुनिया ही बदल गई। रब्बे करीम ने वो दिल बदल के रख दिया। दुआए मुस्तफ़ा थी। बेशक। दुआए मुस्तफ़ा थी जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, हाथ में नंगी तलवार है। बेशक। हाथ में नंगी तलवार है। असहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बड़े गुस्से के आलम में कि या लजपाल मुस्तजान रहमतुल्लाह सल्लमा आज इरादा उमर का को ठीक नहीं लग रहा। तो मुस्तजान रहमतुल्लाह सल्लम फरमाते हैं कि इरादा ठीक ही है। जी जी, इरादा ठीक ही है क्योंकि हमने मांग लिया है उमर को। सुभानअल्लाह। हाँ, आने दो हमने मांग लिया है, ये मुराद मुस्तफ़ा है। बेशक। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला मुराद मुस्तफ़ा है, मेरे मुस्तजान रहमतुल्लाह सल्लम की मुराद है। बेशक। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला तो जब पहुंचे तलवार कदमों में रख दी।
पेश। तलवार कदमों में रख दी, हाथ बांध कर खड़े हो गए। या लजपाल मुस्तजान रहमत मुझ पे भी रहमत की नज़र कर दीजिए। बेश आपने कलमा पढ़ाया, जैसे कलमा पढ़ा आपने उसी वक़्त खड़े हुए, आपने फरमाया आज उमर इस्लाम ला चुका है, आज उमर इस्लाम ला चुका है, आज सरेआम खुले मैदान के अंदर नमाज पढ़ी जाएगी, छुप छुप कर नमाज नहीं होगी, अब छुप कर इबादत नहीं की जाएगी, छुप कर अजान नहीं दी जाएगी। अब काबे में आए वहाँ नमाज अदा करें, और उमर जो भी आपकी तरफ आएगा वो उमर की लाश से गुजर कर जाएगा, इस्लाम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा जब तक उमर है। और इसी तरह हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा आका मुस्तजान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने कि बारगाह में एक सवाली हाज़र होता है कि मेरी बच्चियां जवान हैं, मेरी बच्चियां जवान हैं, तो उनका फ़र्ज़ अदा करना कि मेरी मदद फरमा दीजिए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि भी जाओ उस्मान के घर ले जाओ। सुबह जब दरवाज़े पे पहुँचते हैं तो मियाँ बीवी का तनाज़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? तनाज़ा। और बेटी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम की है, दामाद रसूल है, बेशक दामाद रसूल है, और तनाज़ा हो रहा है। अपनी बीवी को ये अर्ज़ कर रहे कि जब एक चिराग से काम चल रहा आपने दो चिराग क्यों खरीदे? बेशक एक चिराग से जब काम चल सकता तो आपने दो चिराग क्यों खरीदे? तो वो आगे से फरमाती हैं कि मैंने कल के लिए, उन्होंने कल देखा जाता आपने दो क्यों लिए। तो जो साइल था, जो सवाली था, उसने कहा कि जी मेरा मसला हल हो गया, अब मैं जाता हूँ। भाई जो शख्स एक बत्ती के ऊपर बहस कर रहा बीवी से, हाँ मुझे क्या देखा, तो क्या देखा हमें, हाँ जी हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल उन्होंने कहा ठहर जाए, मुस्तफा जान रहम सल्लम की ज़ात ने भेजा है, भाई पहले तशरीफ़ तो लाएं, आप जा रहे जी मेरा सब बस मसला हल हो गया। जी जी जब तशरीफ़ लाते हैं तो मुस्तफा जान रहम सल्लम ज़ात का पैगाम सुनाते हैं, पैगाम सुनाते हैं, उस साहिल का हाथ पकड़ा, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अपने डेरे पर ले गए बाहर। फरमाया 100 ऊँट विद साजो सामान गल्ला कबूल करे। बिल्कुल। तो वो साहिल क्या कहता है, ठीक है गरीब ज़रूर हूँ, जी जी गरीब ज़रूर हूँ, मगर गुरबत का इतना मजाक न उड़ाएं। सही। अच्छा कम है 100 ऊँट और, फिर यही बात की है, अच्छा अभी भी कम है 100 और, यानी कि कुछ रवायत के अंदर ऐसा आता है कि 500 ऊँट दिए, फिर 1000 किए, 1500 ऊँट विद साजो सामान गल्ला लोड है तो आपने दे दिया। और वो साहिल अर्ज़ करता है कि ए उस्मान मुझे इस बात की समझ नहीं आई, बीवी के साथ एक बत्ती के ऊपर तनाज़ा और इधर 1500 ऊँट बमाए गल्ला, इसकी समझ नहीं आई। तो आप फरमाते हैं उसका हिसाब देना पड़ता है, इसका लेना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। ये मैं अपने अल्लाह को कर्ज दे रहा हूँ, ये तो मैं अपने अल्लाह को कर्ज हंसना दे रहा हूँ, ये अल्लाह मुझे लुटाएगा मगर वो अल्लाह को देना पड़ेगा। बिल्कुल उसका हिसाब मुझे देना। क्या बात, क्या बात। रहमत दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौज़े सामीन प्रोग्राम जारी है, अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, आपको नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करना चाहते हैं, या आप अपने कुछ ख्यालात हमें सुनाकर अपनी कोई गुफ्तगू हमसे शेयर करके इस बज़म में, इस महफिल में शामिल होना चाहते हैं, तो अभी हमें आप कॉल कर सकते हैं 0-48-38-38-196 पे, 0-48-38-38-196, 0-48-38-38-196। तो ये
सादत की घड़ियां हैं बहुत तेज़ी से गुज़र रही हैं, तेज़ी से वक्त जारी है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। तो ये टिक टिक की आवाज़ जो है ये हमारे ज़िंदगी के अय्याम को कम करने का एक संदेशा अपने साथ लाती है, और ये वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। और ये महफिल जो रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए सजाई गई है, ये भी अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है। अल्लाह ताला इन साथों को हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाए और हमारा नाम भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा बयान करने वाले आबाब में शामिल हो जाए। हमारी यही दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे हमारी कौम पे खुसूसी फ़जल और करम फरमाएं। और पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, ग़रीब लोग जिस तरह से अपनी कस्मा पुरसी के आलम में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीबे किबरिया हज़रत अहमद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके खुसूसी करम फरमाए इन सफ़ेद पोश लोगों पे, इन ग़रीब लोगों पे जो आज इंतहाई मुश्किल हालात से दो चार हैं। वो कमर साहब तो, इसी तरह ना जी जी के वो कौन सी चीज़ है जी जी वो हर एक के पास है जी जी जो होती है जी जी तो नकाह जायज़ है जी जी वो कौन सी चीज़ है जी जी अगर है तो उसका नकाह जायज़ है, अगर ना हो जी जी तो उसका जनाजा जायज़ है। सही, वो है जान जी। क्या है वो जान? जान यानी कि बंदे के वजूद में जब जान है जी, तो उसका नकाह है जी बेशक। तो जब वो जान चली जाती है तो हो जाता है मुर्दा, फिर उसका जनाजा है। बेशक बेशक बिल्कुल ऐसी, फिर उसका जनाजा यानी कि वो कौन सी चीज़ है बंदे के पास, अगर हो तो जनाजा जी जी, अगर हो तो नकाह जी जी जायज़ है, अगर ना हो जी बिल्कुल तो फिर जनाजा जी बिल्कुल। तो वो क्या है? रूह है, जान। जान है, इस वजूद से जब जान निकलती है निकल जाती है तो फिर जनाजा है। अगर इसके अंदर इस बुत के अंदर वो ना, यहाँ पे मैं एक आपको रुबाई जो है वो सुनानी चाहूँगा, तो मुझे सामने सुनिएगा। बहुत एक प्यार में एक शख्स ने, जिस शख्स को हम ये समझते थे कि वो बहुत दुनियादार सा शख्स, शायर, लेकिन बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, खूबसूरत बात की, तो कहते हैं जमजमो कौसर को तस्नीम नहीं लिख सकता। अल्लाह, जमजमो कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, ए नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। जमजमो कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, ए नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर सात समुंदर भी निचोड़ूं राहत, मैं अगर सात समुंदर भी निचोड़ूं राहत, मैं अगर सात समुंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। आपने कहा था ना कि मीम के पीछे हमने अल्लाह को पहचाना। तो मज़े सामीन हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अकरम बोल रहा हूँ सर, बैक मेकन से। जी जी, मोहम्मद अकरम साहब बैक मेकन से बोल रहे हैं जी, फरमाइएगा।
यकीन करें आज तो हमारे जो दिलों पे थोड़ा बहुत जंग था ना वो सूफी साहब ने उतार दिया है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अल्लाह इनकी जिंदगी करे और इनको अच्छी अच्छी बातें करने की और तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अभी बहक मेकन से मोहम्मद अकरम साहब कह रहे थे कि जी आपकी गुफ्तगू उन्हें बहुत पसंद आई और कि हमारे दिलों से जो जंग था उसको उतारने में अहम किरदार अदा किया आपकी गुफ्तगू ने। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मजीद आमीन सुम आमीन को इस्तकामत अता फरमाए तो बरकत अता फरमाए जी। तो अब जो है एक तो लम्हात जो हैं बहुत तेज़ी से गुज़र रहे हैं और मैं ये चाहूँगा कि अब इन आखिरी लम्हात में आप हम सब के लिए दुआ करवाएं इसका इख्तिताम भी ताकि हो सके इख्तितामी अल्फाज और इख्तितामी अल्फाज के बाद फिर दुआ करवाइए ताकि फिर इस महफिल का बाकायदा इख्तिताम पज़ीर हो सके। जी बात चल रही थी वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन बेश क्योंकि सारे मामलात को साथ लेकर चलना पड़ता है। जी जी बेश अगर तफसील के साथ जाएं तो ज़िंदगियां गुजर जाती हैं मगर मुस्तफ़ा जाने रहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं मुक सकता। बेशक बेशक इल्मे गैब, इल्मे गैब क्या है? इल्मे गैब क्या है? इल्मे गैब किसको कहते हैं? इल्मे गैब ये एक मखलूक है। जी जी ये क्या है? मखलूक है। अब अक्सर कहते हैं जी इल्मे गैब अल्लाह ही जानता है। क्या सही इल्मे गैब? जी अल्लाह की ज़ाते बाबरकात अल्लाह ही जानता और है और वो जिसे चाहे जितना चाहे जब चाहे अताव कर दे। इल्मे गैब अल्लाह ही जानता है। जी जी अब बात ये नहीं अल्लाह अज़ व जल की ज़ात वो खालिक है, इल्मे गैब मखलूक है, अल्लाह ने इस इल्म को तख्लीक किया है। बेशक तो अगर हम देखें कि लो जी इल्मे गैब अल्लाह जानता है फिर अल्लाह ने इल्मे गैब सीखा किससे है? सही अल्लाह जानता है फिर अल्लाह तो, ने किसी तो खुद खुद अल्लाह खुद तख्लीक करने खालिक है वो तो खालिक है मालिक है वो तो कुल है वो उसने तो तख्लीक करने वाले इल्म जो ये तख्लीक अल्लाह की तख्लीक है जी अल्लाह का पैदा किया वो ये इल्मे गैब है। बेशक बेशक और इल्मे गैब अल्लाह अज़ व जल की ज़ात ने अपने महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अता फरमाया। बेशक जन्नत के बारे में उन्होंने खबर हमें दी, दोज़ख के बारे में खबर हमें दी, हम तक तो जो पहुंचा जो हमसे छुपा जो हमसे छुपा है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत से न छुपा। खैर शर की सैर करवाई गई वो शर की सैर है सब। अगर इल्मे गैब की बात भी मुस्तफ़ा जान रहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को गैब की खबर नहीं उनके पास ये इल्म नहीं जबकि खुदा खुद न छुप सका। बेशक जबकि खुदा खुद न छुप सका ना मेराज की रात जो है तो वो, और वो, क्या छुपेगा जी वो तो एक मुलाकात की रात है आशिको माशूक आबिदो महबूब अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह। जी बेशक तो अब मैं ये चाहूँगा कि चूंकि बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं तो दुआ आप करवा दीजिए और बस ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात मैं तमाम जितने ही सामईन मेरी माएँ बहनें बेटियां हैं मेरे दोस्त बुज़ुर्ग अजीज़ बच्चे हैं जिन्होंने ये मुस्तफ़ा जान रहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आल पाक का असहाब पाक का जो ज़िक्र सुना है अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात इनके इल्म में अमल में सेहत में ईमान में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सल्ली अला सैयदना मुहम्मद व अला सैयदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। या खुदा उनके रिज़क भी दे इज़्ज़त भी दे सेहत भी दे ईमान औलाद की हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। कारोबार की हिफाजत फरमा कुल्ली मुश्किल आसान फरमा। आमीन। बीमारी परेशानी मुसीबत तकलीफात मुश्किलात ख़त्म फरमा। आमीन। या खुदा करीम इस प्रोग्राम जो तेरे महबूब मुस्तफ़ा जान रहम सल्लम के मीलाद का तमाम इंतज़ाम किया गया है या अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। ए मेरे मौला करीम जितने भी यहाँ के इंतज़ामिया है कमर साहब है इनके जितने भी यानी के
साथी हैं, सब के रिजक में इज्जत बरकत फरमा और कमल साहब को सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती सलामती अता फरमा, इनके बच्चों को नेक कर सलामती अता कर, मेरे साहबजादगान साहबजादियों के मामलात में खैर फरमा, हर एक की औलाद के मामलात में खैर फरमा, कर्जा दूर फरमा, बीमारी परेशानी दूर फरमा, आमीन। या अल्लाह जो बेगुनाह कह दिए रही अता कर, जिन पे झूठे मुकदमे निजात अता कर, ऐ मेरे मौला करीम, जिनकी बच्चियाँ बच्चे जवान हैं उनके अच्छे असबाब पैदा कर, आमीन, उनके घरों को आबाद कर, जिनके पास औलाद नहीं सब भी औलाद कर, ऐ मेरे मौला करीम, सब के लिए अपने फजल के खूबसूरत दरवाजे खोल दे, सब के लिए अपने फजल के खूबसूरत दरवाजे खोल दे, सब के लिए अपने फजल के खूबसूरत दरवाजे खोल दे। या खुदावंद करीम, सबको खूबसूरत मदीना पाक की आदरी नसीब फरमा, खूबसूरत हज उमरा नसीब फरमा, खूबसूरत काबतुल्लाह का बार बतवाब नसीब फरमा, खूबसूरत लजपाल मुस्तजार रस्म ताबेदारी सही मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ मेरे मौला करीम, जिन हमारी माओं बहनों बेटियों दोस्तों बुजुर्गों बच्चों ने दुआ के लिए कहा, जिस जिस मकसद के लिए दुआ के लिए कहा, सबकी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला करीम, जो तेरी बारगाह से मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांग सकते हम अपनी जबान पे नहीं ला सकते, जो हमारे हक में बेहतर बिन मांगे वो भी अता कर। आमीन सुमा। मेरे मौले करीम, इस अदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। आमीन सुमा। या अल्लाह अज़्ज़ एफएम 96 वाले जो जितने ये अदारा है, जितने यानी कि इंतज़ामी है, जितने यानी कि इस अदारे के अंदर ड्यूटियाँ कर रही हैं, या अल्लाह इनकी इस ड्यूटी को मेहनत को चार चांद लगा, बरकत अता कर। जो भी इस वक्त इस प्रोग्राम को जिन जिन्होंने सुना है, या अल्लाह उनके सीनों को मुनव्वर कर, उनके दिलों को मुनव्वर कर, उनके जहनों को मुनव्वर कर, उनके घरों को आबाद कर, पाक साफ शफाफ हलाल रिजक अता कर। आमीन। ऐ मेरे मौला करीम, हमारे सिलसिले आस्ताने की हिफाजत कर और मुर्शिद के फैज से माला माल कर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मोहब्बत नसीब फरमाने के वक्त ज़बाब कलमा नसीब कला इला इल्लल्लाह मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद। मौज़े सामईन, आज के इस प्रोग्राम का वक्त चूँकि गुजर चुका, ख़त्म हो चुका, इंशाल्लाह ताला फिर प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।